दोस्तों आपका स्वागत है सेंस लर्नर में। दोस्तों फाइनली सचिवालय का एग्जाम डेट आ चुका है और आप सभी काफी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे और वो दिन आ चुकी है। जेसीसी ने सचिवालय का एग्जाम डेट घोषित कर दिया है। दोस्तों उसके साथ कुछ ऐसा चीज बताया है जिससे कहीं न कहीं किसी को दिक्कत हो सकती है। तो सचिवालय ने लगभग 47,000 फॉर्म रिजेक्ट किया है, ठीक है। वहाँ पर आप पीडीएफ में जाके देख लीजिए जेएससी का साइट में कि 47,000 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो एक चीज आप जान लीजिए, लेकिन खुशी की बात है कि एग्जाम डेट आ चुका है। एग्जाम डेट देखिए आपका है 21 अगस्त, ठीक है, 2022 संडे को एग्जाम होगा, है ना। 21 अगस्त मीन्स आज एक तारीख है, अभी से 51 दिन आपका बचा हुआ है। सिर्फ 51 दिन में आपको अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, ठीक है। और 2400 जिला में एग्जाम होगा, एक ही दिन एग्जाम देने की बात चल रही है, 2400 जिला में एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये डेट फाइनली आ गई है, आप सभी तैयारी में लग जाएं। और फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुआ है सभी चीज को देखते हैं। देखिए फॉर्म रिजेक्ट हुआ है 47,183, इतना फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। उसमें देखिए क्यों रिजेक्ट हुआ है। देखिए फॉर्म भरने से पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया है, उसके बाद ये सेकेंड प्रोसेस, जो फर्स्ट प्रोसेस पूरा हुआ लेकिन सेकेंड प्रोसेस उसने क्लियर नहीं किया और पेमेंट भी नहीं किया है इन लोगों ने, है ना। इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया है तो इस चलते फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और इसके साथ 5,342 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने पेमेंट करने के बाद ना तो फोटो लगाया और ना ही साइन लगाया है, तो उन लोगों का भी रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। और 11 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने संशोधन के समय में अपना कैटेगरी चेंज किया है, है ना। एससी एसटी वाले लोग और पीडब्ल्यूडी वाले लोग इन्होंने अपना कैटेगरी चेंज किया है। और जिस समय कैटेगरी चेंज कर रहा था, चल मान लेते हैं एक स्टूडेंट एसटी में है तो ये ओबीसी में आ गया है, तो एसटी का 50 रुपया था, ओबीसी का 100 रुपया था, ठीक है। तो इन्होंने ईडीट का तो पैसा दे दिया, लेकिन ये तो 50 रुपया फॉर्म 50 रुपया पेमेंट किया था एग्जाम फॉर्म के नाम से, तो इसको और 50 रुपया देना था लेकिन इन्होंने नहीं दिया, इसीलिए फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। फॉर्म रिजेक्ट हुआ है लगभग 50,000 के लगभग, मतलब 47,000-48,000 फॉर्म रिजेक्ट फाइनली हो चुका है, ठीक है। अब इन लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने प्रोसेस पूरा नहीं किया था उन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है। और आई होप कि आपने प्रोसेस पूरा किया होगा और जो पेमेंट है पूरा पेमेंट कर दिया होगा तो आपका फॉर्म डेफिनेटली रिजेक्ट नहीं हुआ होगा। और उसी की बात है कि एग्जाम डेट आ चुकी है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, ठीक है। बहुत कम समय बचा है आप, चलिए। थैंक यू।